युद्ध युद्ध हर चीज में राम जा रहे हैं युद्ध कर रहे हैं, राम जा रहे हैं युद्ध कर रहे हैं, अरे राम जी प्यार भी तो करते थे, ये नहीं बताया, ये बिल्कुल नहीं बताया, उनकी कहानी नहीं बताई कि जब रावण ने सीता को अगवा करा तो उस वक्त राम जी पत्तों से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा, उस वक्त जंगल से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा, तेरे बाप का वो ये वो, तब बस यही होगा, यहाँ से ये खोले बेटा क्या है गुंडा लफंगा, कुछ नहीं पापा, राम जी भी तो ऐसे थे, रावण भी तो ऐसे था, हनुमान भी तो ऐसे थे। एक बात तो उस मूवी ने साबित कर दी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर पैसे सब कुछ होता है तो 600 करोड़ रुपए लगने के बाद रावण के 10 सर फिट नहीं कर पाई है। एक बात बताइए मैडम, 600 करोड़ रुपए इस मूवी को लगे, कितने लगे 600 करोड़, उस 600 करोड़ में क्या था ये एक अनपढ़ जाहिल गवार इंसान भी बता सकता है, उस 600 करोड़ में कुछ भी नहीं था एक्चुअली, वो मूवी तो 100-150 करोड़ में बनी है। मैं इसका प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ और सबूतों के साथ दे रहा हूँ कि वो मूवी 150 करोड़ रुपए में बनी है, बाकी जो 450 करोड़ रुपए हैं वो 450 करोड़ रुपए इनकी जेब में फंड गया। आदि पुरुष मूवी में बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, दरअसल इस मूवी की स्ट्रेटेजी से लेकर बनाने तक हर एक चीज में प्रॉब्लम है। इस मूवी के डायरेक्टर इस मूवी को बनाते वक्त ये शायद बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि भारत में इस मूवी का इतना ज्यादा विरोध हो कि इस मूवी को बैन करने की मांग होगी। लेकिन इस चीज को जानने से पहले इस मूवी के अंदर हुई एक एक गलती को जानते हैं कि आखिर इस मूवी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है VFX की, कहीं पे नाव नहीं हिल रहा तो कहीं पे समुद्र के किनारे पानी नहीं हिल रहा। और आप इस मूवी में जब रावण के लुक को देखोगे तो लगेगा कि 10 सर है, यानी कि लगता है कि कोई 10 PNG इमेज लेकर चिपका दिया गया है। और आप इस मूवी में जब चेहरे को देखोगे तो लगेगा कोई यूट्यूब की वीडियो है, ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बल्कि 400-500 करोड़ की मदद से बनी हुई एक मूवी है। दूसरा है कैरेक्टर को लेकर, हम सब ने देखा था कि रावण का महल सोने का था, लेकिन इस पूरी मूवी में सोने की लंका को काले की लंका कर दी गई। और आप इस सीन में जब रावण को देखोगे तो लगेगा पता नहीं कौन सा टी शर्ट पहन के आ गया है, यहाँ तक उसके बेटे इंद्रजीत ने अपने पूरे शरीर पे टैटू बनवा लिया है। दरअसल ये सारी चीज देखकर हम यही लगता है कि अगर इस जगह अगर कोई सिंपल रामलीला भी डाल दिया जाता तो शायद इससे भी अच्छा होता। और इस मूवी में राम के रोल को बिल्कुल ना के बराबर रखा गया है। दरअसल इसी चीज से पता लगता है कि आखिर ये मूवी कितना ज्यादा बेकार है। देखो, हनुमान चालीसा में कहा जाता है कि सूक्ष्म रूपधारी सियाही दिखावे, विकट रूपधारी लंक जरावे। देखिए, इस चौपाई का मतलब है कि जब हनुमान जी सीता जी लंका में मिलते हैं तो वो बिल्कुल लघु रूप में हो जाते हैं, और जब ही लंका जलाने की बात आती है तो विराट रूप में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस मूवी में बिल्कुल उल्टा है, बल्कि हनुमान जी सीता जी के सामने विराट रूप में हो जाते हैं और जब लंका जलाने की बात आती है तो लघु रूप में हो जाती है। अब आप इस मूवी के कुछ डायलॉग को सुन लीजिए। जली ना और भी जलेगी, कपड़ा तेरे बाप की, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरी बाप की। दरअसल ऐसी घटिया डायलॉग को लगता है कि कोई गली मोहल्ले में लोग वीडियो बना रहे हैं। वैसे आप लोगों के इस मूवी पे क्या नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।